हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। आज के इस वीडियो में खास बात ये है कि जो भी कैलकुलेट करेंगे एसक्यूएल व्यू में करेंगे, कैसे करेंगे और क्या बनाने वाले हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि नया डेटाबेस चाहिए, तो नया डेटाबेस तो हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना, ये जो है ना टेबल ओपन है, इसको क्लोज कर दीजिए और क्रिएट पर चलिए। और कहाँ चलना है, क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसक्यूएल व्यू, उसी पे क्लिक करना है। अब पहले तो एक टेबल बनानी है जिसमें हमें प्रोडक्ट का नेम मिले और प्रोडक्ट की प्राइस मिले और यूनिट मिले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे। देखिए गैप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप अंडरस्कोर लगा करके ही लिखिएगा। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, तो इसका डेटा टाइप क्या है ये मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप भी मेंशन करेंगे, ठीक है, गैप नहीं देंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया और इसका डेटा टाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट, TEXT, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देना है प्राइस, PRICE, प्राइस। तो प्राइस हम देंगे इसका इंटीजर में, तो इंट डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पर हम देंगे यूनिट, तो यूनिट में हमने फ्लोट डेटा टाइप मेंशन कर दिया। फ्लोट यानी इसलिए क्योंकि हम हो सकता है क्रिएट कमांड लिखता हूँ, क्रिएट टेबल, हम टेबल बना रहे हैं और टेबल किस नाम से है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट दे दिया और यहाँ पे अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और क्लोज करके फिर यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। अब इसको रन करवा देते हैं, तो जैसे रन करवाया तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीज यहाँ पर आ गई है। इस क्वेरी को भी सेव करेंगे क्योंकि ये क्वेरी अगर नहीं रहेगी तो फिर हम आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तो फिर यहाँ एसक्यूएल नजर आएगा, फिर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ सेलेक्ट नाम का एक स्टेटमेंट मौजूद है, हम सेलेक्ट किसको करेंगे, प्रोडक्ट को, PRODUCT, और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों को यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। दूसरा क्या है इसमें, प्राइस है, तो PRICE प्राइस कर दिया, कॉमा। यूनिट है तीसरा, तो यहाँ यूनिट कर दिया। अब यहाँ पर कॉमा लगा करके और यहाँ पर PRICE मल्टीप्लाई बाई यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करके एज टोटल, इसे नाम क्या दे देंगे, एज टोटल हो गया। और ये किस टेबल से आएगा, तो फ्रॉम टेबल का नेम देंगे फ्रॉम प्रोडक्ट, PRODUCT, तो ये प्रोडक्ट से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखा है इसको हटा देंगे, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको टर्मिनेशन देना है और टर्मिनेशन दे के यहाँ पे क्लिक कर देना है सीधा रन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला अनिक घी, ये लिखा अनिक घी, ठीक है। अब यहाँ पर अनिक घी की प्राइस आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 670 रुपए किलो कर देते हैं, ये प्राइस हो गया। अब यूनिट आया 6 किलो, तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये एसक्यूएल व्यू के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे गगन घी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस यहाँ पर आ गया 550। और मान लीजिए 60 किलो घी की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए अपने आप ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की क्वेरी अगर आपको लगानी है तो आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक और प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसा मान लीजिए मैं कर देता हूँ रिफाइंड ऑयल, ठीक है, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 200 रुपये लीटर है और 30 लीटर यहाँ पे सेल किया गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस अपने आप आती चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेरी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना।